हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूं, तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारे हाथों को लेकर। तो ये जो आजकल हमारे हाथ पैर हैं, इन पे कालापन आ गया है, तो इसके कालेपन को हटाने के लिए हमें थोड़ी सी वैसलिन लेनी है और हमें इतना ही कोलगेट लेना है। कोलगेट का पेस्ट ही हमें केवल लेना है। तो इसे इसको रगड़ के अच्छे से हमें एक पेस्ट बना लेना है और हमें अपने हाथ पैरों पर इसके मलकर अच्छे से अपने हाथ पैरों को साफ करना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारे जो हाथों पे कालापन आ गया है ना, तो वो एकदम साफ हो जाएंगे। और आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, इससे हमारे हाथों में सॉफ्टनेस भी आती है और कोरापन भी आता है। मैंने तो अपने हाथों पे ऐसी करके देखा था। और आप अपने कोहनी वगैरह पर भी, जहाँ भी आपको कालापन लगे वहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें मुंह पर इसे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मुंह और गर्दन की त्वचा जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो हमें वहाँ बिल्कुल नहीं करना है। ये केवल हाथ और पैरों के लिए होता है, या कोहनी पर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर से करके देखिएगा, आपकी जो हाथों की त्वचा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट और गोरी हो जाएगी। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, इससे मेरे हाथ बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इससे हमारे हाथों में जो रूखापन है वो भी निकल गया है। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो बैंगन होते हैं ना, तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें इन पर सरसों का तेल लगाना है। और सरसों का तेल लगाने के बाद हमें इन्हें किसी पॉलीथीन में बंद करके रख देना है। तो इस तरह से हमारे बैंगन फ्रिज में एक हफ्ते तक आराम से रखे रहेंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमें सरसों का तेल लगा देना है। तो इस तरह से हमारे बैंगन की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। जो ये आजकल अदरक आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी औषधि का काम करता है, क्योंकि आजकल गला दुख रहा है, ठंड हो रही है और नज़ला जुखाम बुखार खांसी हो रही है। तो सबसे पहले तो हमने अदरक को छील लिया है और अब इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। और इसको बारीक ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के बाद हमें इसका जो इसका जूस निकालना है, इसे इकट्ठा करने के बाद इसे दबा दबा कर इसका हमें जूस निकाल लेना है हमें। और इसमें हमने अदरक के जूस को निकाल कर अब इसमें हम सूनों का हनी मिला देते हैं। जो शहद होता है ना, ये गले के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अदरक और शहद का हमें एक पेस्ट बना लेना है। इसमें एक चम्मच हमने अदरक का जूस लिया है और एक ही चम्मच हमने शहद लिया है, और एक या डेढ़ चम्मच ले लेना है रात को सोते समय, दोपहर को और सुबह को भी खाली पेट ले सकते हैं। और इसके लेने के बाद एक घंटे तक कुछ भी ना पिए। तो हमने ये छोटे बैंगन धोकर ले लिए हैं। बैंगन साफ़ और ताजे होने चाहिए और इन्हें हमें इस तरह से कट का निशान लगाना है। जो छोटा बैंगन होता है तो उसमें सिर्फ एक निशान लगाना है। और सारे बैंगन चॉप कर लिए हैं। अब हम इसके लिए मसाला ले लेते हैं। डेढ़ चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और हमने आधा चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है आप, और हमने आधा चम्मच हल्दी। और खटाई के लिए हमने जो ये हींग का अचार होता है ना, तो इसे काट करके हम ले लेते हैं। हींग का अचार बनाकर उन्हें सब्जियों में यूज कर सकते हैं। और मैंने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो मैंने एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी एक पिंच हींग ऐड की है, और ये मैंने आधा चम्मच कसूरी लाल मिर्च डाली है। अब इसमें मैं बैंगनों को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने प्लेट को ही धोकर डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऊपर से ऐड कर देते हैं। और इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर बैंगनों को बनाएंगे। बैंगन हमारे बनकर के तैयार हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर जब हमारा ऑयल ठंडा हो जाता है, तो उसमें बच जाती है काफ़ी सारी गंदगी। जो हम खाना बनाते हैं उसी के कुछ टुकड़े इसमें रह जाते हैं और वो जल भी जाते हैं, और कुछ बिना जले भी रह जाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ऑयल को ऐसे ही भर के रख देते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है, और ये जो हमारी चलनियाँ टूट जाती हैं ना चाय, तो इन चलनियों को बिल्कुल भी ना फेंकें। और इनका इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकती हैं, आप अपने ऑयल को छान कर रख सकती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम ऑयल को छानेंगे, और ऑयल को हमें छानना ज़रूरी है, इसी तरीके से भरना बिल्कुल भी नहीं है।
तो छान कर ही भरना है। तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी गंदगी ऊपर जमा हो जाती है, तो ये जो गंदगी होती है ना हमारे ऑयल में पड़ी रहती है और हमारे ऑयल को ख़राब करती रहती है, जो कि हमें बीमारियां पैदा करती हैं। तो इस वजह से हमें अपना साफ़ सुथरा ऑयल ही करके रखना है। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा ऑयल निकला है। आप इसमें सब्जी छोंकें या फिर पराठे बनाएं तो इसमें बिल्कुल भी ना ही स्मेल आएगी और ना ही गंदगी आपके पराठे पर लगेगी और ना ही सब्जी में जाएगी। तो है ना कितनी